हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ गौरी एंड वेलकम टू फिट स्टाइल। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे आए हैं डॉक्टर दीक्षित डाइट प्लान पे, इंटरमिटेंट फास्टिंग डाइट पे, तो और भी कई सारे आपके क्वेश्चंस हैं। तो आज की वीडियो में देखते हैं वन बाय वन आपके क्वेश्चंस और मेरे आंसर्स। लता जी कह रही है, मैम एक क्वेश्चन है, ज़्यादा देर फास्टिंग करने से बॉडी स्टार्वेशन मोड में चली जाती है जिससे हम ज़्यादा खाते हैं और वेट बढ़ता है, क्या करें, क्या ये सच है क्या? लता जी, स्टार्वेशन मोड और फास्टिंग पीरियड, इसमें बहुत ज़्यादा फर्क होता है। अगर आप 3 दिन के लिए कुछ नहीं खाओगे तो आप स्टार्वेशन मोड में चले जाते हैं, लेकिन इसमें, इस डाइट प्लान में आपको खाना है। 16:8 इंटरमीडियट फास्टिंग डाइट में आपको 8 घंटे खाने के मिलते हैं, उसमें आपको खाना है। या डॉक्टर दीक्षित डाइट प्लान में आपको दिन में 2 बार आपको खाना है, तो आपको खाना खाना है। 16 आवर्स आपको 16:8 इंटरमीडियट फास्टिंग डाइट में फास्टिंग करनी है, तो आप स्टार्वेशन मोड में नहीं जाओगे और आप ज़्यादा भी नहीं खाओगे। रेखा बेन पूछ रही है, क्या थायराइड टैबलेट ले सकते हैं? जी हाँ, मॉर्निंग टाइम आपका फास्टिंग पीरियड में आप थायराइड की गोली ले सकते हो। गीता जी इज आस्किंग, अकॉर्डिंग टू यू विच डाइट प्लान इज बेटर, डॉक्टर दीक्षित और इंटरमिटेंट? शुभकाश पूछ रही है, मैं डॉक्टर दीक्षित डाइट प्लान और 16:8 इंटरमिटेंट फास्टिंग डाइट में कन्फ्यूज हो रही हूँ, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है वेट लॉस करने के लिए मैं कौन सा डाइट प्लान फॉलो करूँ। डॉक्टर दीक्षित डाइट प्लान और इंटरमिटेंट फास्टिंग, ये दोनों फास्टिंग डाइट ही है। सिर्फ डॉक्टर दीक्षित डाइट प्लान में आपको दिन में 2 बार खाना है, 2 मील्स होते हैं, और फास्टिंग 16:8 इंटरमिटेंट फास्टिंग डाइट में आपको 16 आवर्स फास्टिंग करनी है और 8 आवर खाने का विंडो होता है। दोनों भी अच्छे हैं डाइट प्लान। अगर आपको थोड़ा सा, डॉक्टर दीक्षित डाइट प्लान ये स्ट्रिक्ट डाइट प्लान है, इसमें आपको स्ट्रिक्टली उसी टाइम पर दिन में 2 बार 55 मिनट के स्लॉट में खाना खाना होता है, तो और 16:8 इंटरमिटेंट फास्टिंग डाइट प्लान ये इजी बोल सकते हैं हम, क्योंकि इसमें आपको 16 आवर्स जो आप फास्ट करते हो रात में चले जाते हैं वो फास्टिंग पीरियड, और 8 आवर्स आप उसमें खाना आपको खाना होता है। तो मुझे लगता है दोनों भी डाइट प्लान अच्छे हैं वेट लॉस के लिए, बट 16:8 इंटरमिटेंट फास्टिंग थोड़ा सा ईजी लगता है मुझे। रफिया इज आस्किंग, कैन वी कंज्यूम मेडिसिन ड्यूरिंग फास्टिंग? रफिया जी, ट्राई करें ईटिंग पीरियड में ले लें, क्योंकि फास्टिंग पीरियड में आपको कुछ भी नहीं लेना होता है, तो मेडिसिन से इंसुलिन नहीं बढ़े, इसलिए आपको ईटिंग पीरियड में ही आप मेडिसिन ले लें। आपके डॉक्टर को कंसल्ट करके आप ईटिंग पीरियड में मेडिसिन लेने की ट्राई करें, कंसल्ट कीजिए डॉक्टर से। अगर हो रहा है तो आप फास्टिंग पीरियड में ले सकते हो। शिवानी इज आस्किंग, प्लीज़ हेल्प मी, मुझे भी वेट लॉस करना है, प्लीज़ रिप्लाई मी। मेरा 71 kg वेट लॉस है, मेरा एज 25 है। मुझे बहुत सारे ऐसे आपके क्वेश्चंस आते हैं, कमेंट्स आते हैं। दोस्तों, मैंने बहुत सारे डाइट प्लान के ऊपर बहुत सारे मेरे वीडियोस हैं, आप वो देख लीजिए। आपको अगर 16:8 इंटरमिटेंट फास्टिंग डाइट पे भी मैंने बहुत सारे वीडियोस दिए हैं, डॉक्टर दीक्षित डाइट प्लान के ऊपर भी मैंने बहुत सारे वीडियोस दिए हैं, तो आप उन्हें देखिए, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह आपको डाइट करना है और उसी तरह आप डाइट को फॉलो कीजिए। सोनिया इज आस्किंग, एज फीडिंग मदर व्हाट डाइट शुड बी प्रिफर? तो सोनिया जी, आप कोई भी डाइट प्लान फॉलो कर सकते हो, सिर्फ आपके 7 महीने पूरे होने चाहिए बच्चा होने के बाद, तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग डाइट से शुरुआत कीजिए पहले, क्योंकि जैसे मैंने कहा है डॉक्टर दीक्षित डाइट प्लान ये थोड़ा सा स्ट्रिक्ट डाइट प्लान है, तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग डाइट से स्टार्ट कीजिए आफ्टर 7 मंथ, एंड देन यू कैन, इफ यू वॉन्ट यू कैन स्टार्ट डॉक्टर दीक्षित डाइट प्लान। सोमा इज आस्किंग, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सब झूठ बोल रहे हैं, विदाउट एक्सरसाइज आप इतना वेट लॉस नहीं कर सकते? क्योंकि मैं 1 ईयर पहले से ये सब ट्राई कर रही हूँ, बट मेरा वेट सिर्फ 2 से 3 kg कम हुआ है पूरे 1 साल में। तो सोमा, मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि ये सब कोई झूठ नहीं बोल रहा है, ये रियलिटी है, रियल स्टोरी जो है उनकी वेट लॉस जर्नी की, वो मैं आपको लोगों को दिखाती हूँ, आप लोगों से शेयर करती हूँ। पर्सन टू पर्सन, बॉडी टू बॉडी, ये डिपेंड करता है किनका वेट लॉस कितना ज़्यादा होता है। अगर आप वेट लॉस करने के लिए एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो और स्ट्रिक्टली आप आपका डाइट प्लान फॉलो कर रहे हो, तो ज़रूर आपका वेट लॉस होगा। लेकिन जैसे कई स्टोरीज में उन्होंने कहा है कि उनका वेट लॉस हुआ है 15 kg वेट लॉस किन किन का 8 महीने में हुआ है, तो वो नेचुरली उन्होंने कम किया है अगर आप विदाउट एक्सरसाइज, अगर एक्सरसाइज करते तो उनका 4 महीने में ही वो जल्दी कम हो जाता। लेकिन इसके लिए अगर जिनको टाइम नहीं मिल रहा है और वो प्रॉपरली उनका डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वेट लॉस तो होगा ही होगा। किसी भी वेट लॉस में 80% ये आपके डाइट पे ऊपर डिपेंड होता है और 20% ये आपके एक्सरसाइज के ऊपर डिपेंड होता है।
तो 80% अगर आप अच्छी तरह से डाइट प्लान फॉलो करोगे तो श्योर आपका वेट लॉस होगा। निराली इज आस्किंग, मैम आई एम फॉलोइंग यू फ्रॉम लास्ट मंथ, आई एम सो इम्प्रेस्ड, आई हैव स्टार्टेड डॉक्टर दीक्षित डाइट प्लान फ्रॉम 8 days वेरी स्ट्रिक्टली बट कांट सी स्मॉल डिफरेंस, कैन यू प्लीज गाइड मी। तो निराली जी, 8 दिन में आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा, ये आपको मिनिमम 3 months डाइट प्लान फॉलो करना है। फौजी जईद इज आस्किंग, डॉक्टर दीक्षित डाइट प्लान शेयर कर दे। मैंने बहुत सारे डॉक्टर दीक्षित डाइट प्लान के ऊपर वीडियोस अपलोड किए हैं, आप वो देख लीजिए स्टेप बाय स्टेप, आपको पता चल जाएगा। आप यूट्यूब सर्च में जाइए और वहाँ पे डॉक्टर दीक्षित डाइट प्लान बाय फिट स्टैंड इसे टाइप करना है तो ऑटोमेटिकली मेरे बहुत सारे वीडियोज आ जाएंगे। नूतन इज आस्किंग, आप अपने बालों का केयर कैसे करती हो, लंबे होते जा रहे हैं। नूतन, मैंने बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड किए हैं बालों के ऊपर, बालों की केयर कैसे करनी है। फिर भी अगर मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा कि ऑयल आपको किस तरह लगाना है और ऑयल में आपको क्या क्या डालना है जड़ी बूटियाँ, तो वो वीडियो मेरा नेक्स्ट आ जाएगा। अमिता इज आस्किंग, फ्लेवर्ड ग्रीन टी इज अलाउड इन दीक्षित डाइट? येस, लाइक तुलसी, येस यू कैन हैव बट विदाउट शुगर। कविता इज आस्किंग, कैन आई ड्रिंक मिल्क टी विथ शुगर इन ईटिंग विंडो? कविता जी, अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो आप ले सकते हो, लेकिन वेट लॉस करना है तो शुगर अवॉइड ही करें। अंजलि पाटिल इज आस्किंग, डियर गौरी, आई हैव वन क्वेरी, आई एम डूइंग इंटरमिटेंट फास्टिंग 16/8, आई वॉन्ट टू नो वेदर इन दिस पैटर्न वी हैव टू काउंट कैलोरीज। अंजलि जी, आपको कैलोरीज काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको 16/8 इंटरमिटेंट फास्टिंग डाइट प्लान में 3 बार आपको खाना है, 2 आपके मेन मील होंगे और 1 आपको स्नैक्स खाना है। तो कैलोरीज काउंट पे ध्यान मत दीजिए, पेट भर के खाना खाइए, सिर्फ वो खाना हेल्दी होना चाहिए। बंदिता नायक इज आस्किंग, आई वॉन्ट टू स्टार्ट डॉक्टर दीक्षित डाइट प्लान बट आई हैव थायरॉयड। येस बंदिता, आप थायरॉयड में भी ये डाइट प्लान कर सकते हो, डॉक्टर दीक्षित डाइट प्लान कर सकते हो या 16/8 इंटरमिटेंट फास्टिंग डाइट प्लान कर सकते हो। अगर आप थायरॉयड की गोली लेते हो तो आप फास्टिंग पीरियड में सुबह वो ले सकते हो। और इसके साथ आप मेरा थायरॉयड डाइट प्लान का वीडियो भी देख लीजिए और मैंने उज्जैयिनी प्राणायाम का भी वीडियो डाला है थायरॉयड के लिए, तो वो भी आप एक बार जरूर देखें। ऐसे आपके बहुत सारे मुझे क्वेश्चंस आते हैं, कमेंट्स आते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, यूट्यूब पे फिट स्टैंड आपके जो सवाल है वो टाइप कीजिए, उसके आगे आपको #फिटस्टैंड लगाना है तो आपको मेरे वीडियोस मिल जाएंगे। या आपके जो भी सवाल है वो आप टाइप कीजिए और उसके आगे बाय फिट स्टैंड इसे टाइप कीजिए तो आपको मेरे वीडियोस मिल जाएंगे। आई होप इस वीडियो से मैंने आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर किए होंगे। आप ऐसे ही मुझे कमेंट्स करते रहना, मैं आपके कमेंट्स के आंसर्स देने की कोशिश करूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और दोस्तों से शेयर ज़रूर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।